बिलासपुर में भी गणपति उत्सव का खासा क्रेज दिखाई दे रहा है। गणेश उत्सव पर इस बार गणपति बप्पा के अलग अलग स्वरूप नजर आ रहे हैं। गणेश जी के नए स्वरूप भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। शहर के चिंगराज पारा में भी इसी तरह का गणेश विराजित किया गया है, जो भक्तों को काफी आकर्षित कर रहा है। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसकी झलक यहाँ के आस्था में भी दिखाई देती है। गणेश उत्सव में भी इसकी झलक दिखाई दे रही है। बिलासपुर के चिंगराज पारा में छत्तीसगढ़ की खेती किसानी को चित्रण करते हुए गणेश जी को किसान के रूप में विराजित किया गया है, जिसमें भगवान गणेश खेत में हल चलाते दिखाई दे रहे हैं और गणेश जी के साथ ही साथ उनके भाई कार्तिक भी खेती करते नजर आ रहे हैं। इसमें वे दोनों भाई खेत में धान की बुआई और जुताई कर रहे हैं। सजावट भी खेतों जैसा ही किया गया है, जिसमें खुले आसमान के नीचे घास खेत और नांगर बैलगाड़ी में जुताई करते गणेश और कार्तिक जी, और जमीन पर खेत के ओरिजिनल मिट्टी का उपयोग किया गया है। गणेश जी के इस स्वरूप को देखने के लिए यहां लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश धान का कटोरा है और यह किसानों का प्रदेश है, इसीलिए किसान को प्राथमिकता देते हुए खेती किसानी करते गणेश जी की प्रतिमा विराजित की गई है, जिसमें हमारे प्रदेश की खेती की परंपरा का झलक दिखाई दे रहा है। लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं।